हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है म्यूकोसल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन, मतलब जो म्यूकोसल रूट होता है उसके थ्रू हम कैसे अपनी वैक्सीन को डिलीवर करते हैं। तो म्यूकोसल वैक्सीन जो होती हैं वो सबसे पहली बात तो हम उस रूट से देंगे, म्यूकस लेयर है होती है हमारी जो भी प्रेजेंट होती है उसके थ्रू हम डिलीवर करते हैं, तो वो बहुत ही फास्ट, हाई लेवल और लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स हमारी प्रोड्यूस करती है जो भी हमारी वैक्सीन है उनको डिलीवर करने में, और हमारा क्या करती है, डिजीज़ को प्रोटेक्ट करती है। ये चीज़ इंश्योर करेगी कि हमारा जो भी हम एल्दी या एनिमल जो भी हमारा जिस पे हम ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कंडक्ट कर रहे हैं वो सेफली हो, मतलब बिना उसको नुकसान किए हम अपने ड्रग को या वैक्सीन को डिलीवर करें बिना उन्हें कोई भी हार्म या टॉक्सिन प्रोड्यूस करे हुए। ये तो बात होगी म्यूकोसल की। अब म्यूकोसल वैक्सीन जो होती है उनकी एडवांटेज क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, कोई रीज़न तो होगा ना। सबसे बड़ी बात तो सिस्टमैटिक म्यूकोसल रिस्पॉन्स, मतलब अगर जो भी हम म्यूकोसल रूट के थ्रू ड्रग को डिलीवर करेंगे तो वो डायरेक्टली सिस्टमैटिकली मतलब ब्लड सर्कुलेशन में ही रीच करेगी, एक टाइप की नेचुरल एंट्रेंस है। हमें अपना खुद से बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना है, वो नेचुरली अपना बॉडी के अंदर एंटर करेगी म्यूकस के थ्रू। निडल फ्री वैक्सीनेशन है, कोई भी हमें वैक्सीन में निडल नहीं देनी है, कोई भी हार्म नहीं होगा पेशेंट में, कोई भी कंपैटिबिलिटी कुछ भी नहीं होगी। इजी प्रोडक्शन बहुत आसानी से प्रोड्यूस हो सकती है, इनको इजी फॉर्मेशन कर सकते हैं और हमारा बिना कुछ भी हार्म पहुँचाए हुए। ये तो म्यूकोसल वैक्सीन का हो गया कि हमें इनका मेन एम क्या है, इनको यूज़ करने का क्या एडवांटेजेस हैं। अब इनके एडवांटेजेस यही हैं, सबसे पहली बात तो इन्फेक्शन जो भी हमारा हो रहा है उसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम उन्हें कंट्रोल कर लेंगे बिना कुछ भी कॉज किए हुए, कोई भी रिएक्शन या कुछ भी हमें करना नहीं है, आसानी से देख कर हम कोई भी इरिटेशन होगी म्यूकस मेम्ब्रेन में उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एफेक्टिव कंट्रोल ऑफ नॉन इन्वेजिव इन्फेक्शन, मतलब जो नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन, सही बात है। अब इसमें हम कोई भी अपना सिरिंज तो दे नहीं रहे हैं ना, हम कोई ब्लेड या कुछ भी कट कर रहे हैं, तो नॉन इन्वेसिव मेथड होता है, बिना कुछ भी हमारा ब्लड का लॉस कुछ भी नहीं हो रहा, आसानी से हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इनका जो भी रिस्पॉन्स आता है वो बहुत ही वाइड स्प्रेड होता है, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल में बहुत ही ब्रॉडली हमारा इनका रिस्पॉन्स स्प्रेड होगा। ये तो एडवांटेजेस हो गए, अब वो तो डिसएडवांटेज भी होंगे। इनके डिसएडवांटेज में यही कहा जा रहा है कि जो एंटीजन की स्टेबिलिटी होती है वो म्यूकोसल साइट पे अच्छी नहीं होती, मतलब जो एंटीजेंस होते हैं म्यूकोसल साइट पे दैट आर इनस्टेबल, स्टेबल नहीं रहते हैं। अभी रहेंगे फिर कहीं फिर और शिफ्ट हो गए, कहीं ट्रांसपोर्टेशन और हो गया उनका। एक और डिसएडवांटेज इनका ये है कि अगर हमें आईजीए रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करना है, इंड्यूस करना है, तो वो हमें कॉज करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करनी सकती है, ईजिली वो आईजीए रिस्पॉन्स हमारा प्रोड्यूस नहीं होगा, उसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है हमको। अब आगे हम बात कर रहे हैं म्यूकोसल डिलीवरी के डिफरेंट टाइप का, ये हमारा एक सिस्टमैटिक चार्ट हमने दिया है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो पहले तो हम ये बात कर रहे हैं कि नोवल सेकेंड जनरेशन ऑफ थायोमर्स, इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमारा इन्हांसिंग प्रॉपर्टी जो होती है ना, परमेशन इन्हांसिंग प्रॉपर्टी, अगर हमें बढ़ानी है तो हम ये वाला तरीका यूज़ करेंगे, नोवल सेकेंडरी जनरेशन ऑफ थायोमर्स का फॉर्मेशन। अगर हमें कोई भी एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए सेल इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हमको रेजिस्टेंस टाइम को बढ़ाना है, मतलब प्रोलॉन्ग करना है एब्जॉर्प्शन साइट पे, तो हम क्या करेंगे, म्यूको एडहेसिव पॉलीमरिक सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमको कंट्रोल ड्रग का रिलीज़ करना है तो हम नाइट्रोन पार्टिकल सिस्टम यूज़ करेंगे। सब म्यूकोसल के अंदर ही आ रहा है। अगर हमको सॉलिबिलिटी को इम्प्रूव करना है बहुत ही, अगर मान लीजिए लो सॉल्युबल है हमारे कोई भी प्रोडक्ट, उसको सॉलिबिलिटी इम्प्रूव करनी है तो सेल इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम उनका फॉर्मेशन कर देंगे। ये सब हमारा म्यूकोसल के ही टाइप है, मतलब म्यूकोसल में ही आ रहा है। तो नोवल सेकेंडरी जनरेशन ऑफ थायोमर्स था, सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम था, म्यूको एडहेसिव पॉलीमरिक सिस्टम था, एंड नेक्स्ट था नैनो पार्टिकल सिस्टम। ये हमारा ओवरऑल म्यूकोसल डिलीवरी का हमने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है आपको। ये एक हमारा डायग्राम है जिसमें हम क्या बता रहे हैं कि कैसी कोई भी, मान लीजिए हमारी ड्रग है वो नैनो फाइबर्स के फॉर्म में है, ड्रग नैनो फाइबर्स में यहाँ पे लोड है, वो कैसे हमारी म्यूकोसल के थ्रू डिलीवर होती है वैक्सीन। मान लीजिए हमारी वैक्सीन थी जो भी नैनो फाइबर्स के अंदर लोड है, यहाँ पे ये वैक्सीन थी जो नैनो फाइबर्स के अंदर लोड है, पहले वो क्या करेगी, यहाँ से एब्जॉर्व होगी म्यूकस लेयर, ये जो देखिए म्यूकस लेयर दिख रही है आपको, वहाँ पे वो एब्जॉर्व होगी। म्यूकस लेयर के बाद क्या होगा, यहाँ पे ओरल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, अब वहाँ पे वो पहुँचेगी। ओरल एपिथेलियल के बाद वो कहाँ करेगी, लोकल डिलीवरी सिस्टम हमारे ड्रग का होता है, लोकल ड्रग का डिलीवरी, वहाँ वो सीरीजन में पहुँच रही है ड्रग हमारी। इसके बाद ड्रग कहाँ पहुँचेगी, लैमिना प्रोपेला एक होता है हमारा टिश्यू, वो टिश्यू स्किन के अंदर, वहाँ जाएगी।
ये धीरे धीरे हमारा पेनिट्रेशन ड्रग का हो रहा है। फिर क्या होगा, यहाँ पर सब म्यूकस लेयर होगी जहाँ पे सिस्टमैटिक ड्रग डिलीवरी मतलब ब्लड में अब हमारी ड्रग यहाँ पे पहुँच जाएगी। ये तो लोकल डिलीवरी दिखा दी, यहाँ पे सिस्टमैटिकली मतलब यहाँ पे ब्लड पे पहुँच जाएगी ड्रग। ये हमारा इन्होंने पूरा ओवर पॉइंट एक व्यू दिया है कि कैसे हमारा कोई भी वैक्सीन जो होती है, जो भी नैनो फाइबर्स फॉर्म में थी, वो कैसे म्यूकस के थ्रू डिलीवर हो रही है। तो पहले तो देखिए, यहाँ पे म्यूकस लेयर पे पहुँची, एपिथेलियल्स पे पहुँची, लोकल सिस्टम डिलीवरी सिस्टम में पहुँची, लैमिना प्रोपेला में पहुँची, ना सिस्टमैटिक ड्रग डिलीवरी हो गई उनकी। अब हम जो भी अपने म्यूकस डिलीवरी सिस्टम बनाते हैं उसको डिज़ाइन और स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है, मतलब क्या क्या किन किन टाइप से हम उनको बना सकते हैं, किन किन स्ट्रैटेजीज से, तो इनमें बेसिकली 4-5 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा है इमल्शन टाइप डिलीवरिंग हो गई, मतलब इमल्शन फॉर्मेशन करके उनके डिलीवरिंग कर सकते हैं। मेल्ट इन माउथ स्ट्रिप, मतलब माउथ में हमने रखा और वहीं पे वो उसी टेम्परेचर में वो मेल्ट कर जाए, ऐसे कर सकते हैं। लिपोसोम्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसके थ्रू हमारा डिलीवर करा सकते हैं हम अपनी ड्रग को म्यूकोसल रूट में। पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल्स, मतलब नैनो पार्टिकल्स को फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, नैनो पार्टिकल 10 × 100 नैनोमीटर्स की रेंज में इनका पार्टिकल साइज होता है। वायरोसोम्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इन सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी ड्रग को म्यूकोसल रूट के थ्रू मतलब यहाँ पे डिलीवर करा सकते हैं। इमल्शन की तरह मेल्टिंग इन माउथ स्ट्रिप्स लिपोसोम्स में, या नैनो पार्टिकल्स बना के, या तो वायरोसोम्स बना के। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय, सी यू सून।